कैसे आप बालों को लहरा कर उजली उजली। मैंने ठान लिया है कि हर महीने एक गाना किसी का मोहताज ना होके, किसी बंधन में ना बांध के, मेरा मन कर ऐसा कंपेरन साहब का गाना था जो मैंने कंपोज किया था, एंड द सेकंड वाज ऐ जहां आसमां व्हिच वाज संग बाय श्रेया घोषाल एंड सोनू निगम। तो बहुत तरह के सिंगर्स हैं सर, मैं बोलना चाहूंगा चार जनरेशन के सिंगर्स से मैंने काम किया। अच्छा प्लीज आप लोग ना सेंट्रल लुक में ऐसे आप करिएगा क्योंकि सबको लुक मिल जाएगा, पैन करते रहेंगे, पैन क्या शांतरा वेरी वार्म वेलकम टू दिस कन्वर्सेशन। कभी अपने गाना सुना और बहुत अच्छे लिरिक्स थे, कंपोज भी बहुत सुंदर किया है, तो किस तरीके से ये आप साथ में आए, क्या क्या सोचा आपने इस गाने से पहले, क्या थिंकिंग थी, वो सारी आप प्लीज शेयर करेंगे। एक्चुअली मुझसे ज़्यादा इस सवाल को सही जवाब दे पाएंगे अभिषेक भाई, क्योंकि ये पूरा उनकी उनकी प्लानिंग थी। मुझे बस स्टूडियो में बुला लिए, बोले गाना है एक, क्या हम लोग एक साथ दो गाने रिकॉर्ड किए थे उस दिन, और मैं जा रहा था उसी रात US जा रहा था, तो मैं कहाँ यार वो पैकिंग करना है, ये है वो है, वो बोले कुछ नहीं एक गिफ्ट है मेरे तरफ से, बाकी US में गुनगुनाते रहना। तो मैं आकर जैसे गाना सुना बस दिल आ गया कि नहीं इसको तो अभी गा कर ही जाना, तो हम लोगों ने फिर गाने भी किए और वहीं एक लाइव वीडियो भी उन्होंने बना दिया, और काफ़ी हम लोग इस बात पर डिस्कस भी किए कि ये क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे मकसद क्या है। एक तो ऑब्वियसली एक अच्छा गाना जब होता है मकसद वही होता है कि मिलकर अच्छा गाना करें, लेकिन साथ साथ अभिषेक इज़ बिन स्टारिंग द मार्केट, इज़ बिन मेकिंग अ सर्टन यू नो प्लान। आई थिंक इट्स बेस्ट अभिषेक इफ यू टेल अस हाउ दिस होल। दरअसल थोड़ा सा मैंने धोखा किया शान भाई के साथ धोखा मैंने ये किया कि मैंने इनको बताया नहीं कि एक ही दिन में हम दो गाने रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि आई डिडंट वांट टू यू नो अपसेट हिम इन एंटिसिपेशन कि दो गाने कैसे करेंगे, शाम को फ्लाइट है। पर ऐसा है कि बहुत तरह के सिंगर्स होते हैं, और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैंने चार जनरेशन के सिंगर्स के साथ काम किया, स्टार्टिंग फ्रॉम आशा भोसले, द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक, उदित नारायण, द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ शान, सोनू निगम, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान, एंड द करंट जनरेशन जिनके साथ मैं आजकल काम कर रहा हूँ। तो सिंगर की जो एक लंबे रेस का जो घोड़ा होता है ना, अ वॉइस विच इज एवरग्रीन एंड विच इज ऑलवेज फ्रेश, सो शान इज डेफिनेटली वन ऑफ दोज वॉइसेस जो चार फिल्में आई दो साल बाद लोग भूल गए, ऐसी आवाज़ नहीं है, लंबे दौर की आवाज़ है। और मुझे ये लगता है कि मुझे लगने लगा था, हालांकि बहुत सी फिल्मों का म्यूज़िक मैंने किया है, लेकिन फिल्मों में एक घुटन सा मैं महसूस करने लग गया हूँ, क्योंकि जब म्यूज़िक कंपनीज ये तय करना शुरू कर दें कि फिल्म में कौन सा गाना जाएगा, और फिर उस गाने का जो बलबूता है, जिस बलबूते पर वो गाना फिल्म में आता है, द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्टिंग अ सॉन्ग इन अ फिल्म, जिस बात से हम लोग कंफर्टेबल थे कि हम डायरेक्टर के साथ इंटरेक्ट करें, सिचुएशन को समझे, उस सिचुएशन के लिए वाजिब गाना कौन सा है, कौन सी धुन सबसे अच्छी बैठती है, कौन से लिरिक्स सबसे अच्छे उस सिचुएशन के लिए अच्छे हैं, ये होता था एक गाना सिलेक्ट करने का यार्ड स्टिक कि उस बलबूते पर आपने गाने को लिया कि वो उस फिल्म को, फिल्म पे चार चांद लगा देता है गाना। लेकिन अगर गाने को आप इस तरह से सिलेक्ट कर रहे हो कि कौन सा गाना किस तरह से आ रहा है, वो सिलेक्शन प्रोसेस अगर कन्वोल्यूटेड हो जाए, जहाँ पे डायरेक्टर का कोई से नहीं है, फिल्म प्रोड्यूसर का कोई से नहीं है, क्योंकि म्यूज़िक कंपनी का किसी के साथ बहुत ज़बरदस्त रिश्ता है, और उस रिश्ते के बलबूते पर एक गाना सर फिल्म में डाल दीजिए, तो उस गाने को आप प्लांट नहीं कर पाते फिल्म में, फिर वो गाना ज़बरदस्ती फिल्म में मिसफिट हो जाता है, मिसफिट। तो ये हालात कुछ ज़्यादा ही आजकल छाया हुआ है, जिसके कारण जो है इंडिया की जनता इस बात से अवगत है, इस बात से परिचित है कि मेलोडी गायब हो रहा है, बाकी सब कुछ है, साउंड है, स्मार्ट अरेंजमेंट्स है, सब कुछ है, बट मेलोडी और लिरिक्स कि जो एक सिंपल और प्रोफाउंड बॉन्डिंग होता है, जिसके कारण हम पुराने गाने आज तक गुनगुनाते हैं। हम कुछ भी कहे कि ये गाना आ गया, वो आ गया, अब पैसा लगा के यूट्यूब के व्यूज़ बढ़ाना वो गाने की पहचान नहीं है, गाने की एक अपनी उड़ान होती है, जो गाना कोई खर्चा नहीं हो रहा जिसकी पब्लिसिटी पे, जो गाना लगातार चलते आ रहा है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, लग जा गले एक गाना है, अब बच्चे से लेके बूढ़े तक उस गाने का जिक्र कीजिए, सबको पता है लग जा गले गाना है और सब गुनगुना देंगे। फिल्म कौन सी थी किसी को याद नहीं है, सब भूल गए, आपको भी याद नहीं होगा, इनको भी याद नहीं होगा कौन सी फिल्म थी। तो हिंदी बस यही है, लता जी की आवाज में कमाल का गाना, मदन मोहन जी का म्यूजिक है, कंपोजिशन है, ये सबको याद है। और तो ये थी हिंदी फिल्मों के गानों की गरिमा, साधना कि गाना कहाँ तक चला जाता है, गाने की उड़ान बंद ही नहीं होती, उठते उठता ही जाता है गाना।
फिल्म लोग भूल जाते हैं, युग बदल जाते हैं, लेकिन गाना चलता जाता है. दैट इज़ द पावर ऑफ अ ब्यूटिफुल सॉन्ग, अ गुड मेलोडी. एंड दैट कम्स फ्रॉम थ्री थिंग्स, लिरिक्स, कॉम्पोजिशन. उन दोनों का जो सीमेंटिंग है लिरिक्स और कॉम्पोजिशन का, वो अनायास ऐसा होना चाहिए कि गुनगुनाने का मन करे. एंड ऑफकोर्स सिंगर इज दैट पर्सन हु गिव्स द सॉन्ग इज फ्लाइट. तो ये जो कॉम्बिनेशन, ये बड़ा ही सरल सा है मामला, ये बहुत ही निर्लिप्त सा एक मामला है जिसमें कोई करप्शन नहीं है. गाना करप्शन से नहीं बनता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि आप पैसा कमा सकते हो करप्शन से, लेकिन एक सुंदर मेलेडी, एक सुंदर गाना जो गाने का मन करे, वो करप्शन से नहीं बनता. गाना सिलेक्ट करने का जो बलबूता है वो सिर्फ टैलेंट होना चाहिए और कुछ और नहीं. और इसी बात को सामने रख के मैंने ये तय किया है पिछले 2 साल से कि हर महीने एक गाना बनाऊँगा, किसी पे मोहताज होके नहीं, किसी कंपनी के लिए नहीं, किसी को खुश करने के लिए नहीं, मुझे जो अच्छा लगे, जिसको मुझे लगता है कि ये गाना जनता को अच्छा लगेगा, वो गाना मैं बना रहा हूँ. और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इसलिए मिला क्योंकि पिछले साल मिर्ची म्यूज़िक अवार्ड में जो बेस्ट नॉन फिल्म सॉन्ग ऑफ द ईयर था वो मुझे मिला, जिससे मुझे खुशी हुई और थोड़ी कॉन्फिडेंस मिला कि मैं इस तरह का काम फिल्म के अलावा ये भी कर सकता हूँ, सिर्फ फिल्मों पर मोहताज ना रहूँ. तो उसमें 2 गाने थे. एक गाना था ये दिल अजीब है, ये गुलजार साहब ने लिखा था और हरिहरन साहब ने गाया था. दैट वॉज द नॉमिनी. एंड जो गाना जीता, दैट वॉज सॉन्ग कॉल्ड ए जहां आसमां, सॉन्ग बाय श्रेया घोषाल एंड सोनू निगम. सो आफ्टर दैट आई बीन वर्किंग विद अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स विद गुलजार साहब, विद कविता कृष्णमूर्ति. आई हैव डन 2 more songs विद शान. एंड आने वाले मौसम में, इसी मौसम में आप एक और खूबसूरत सा गाना सुनेंगे जो बारिश का गाना है और बेहतरीन लिखा है अविनाश भाई ने. Why I like Avinash's writing is because मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी गुलजार साहब के साथ. मैं दिल्ली में था, मैं पढ़ रहा था और मैं टेलीविजन का म्यूज़िक करता था. आई मेट गुलजार साहब एक्सीडेंटली इन एयरपोर्ट, और उन दिनों ऑडियो टेप्स का ज़माना था. मेरे बैकपैक में ऑडियो टेप्स थे जिसमें कुछ मेरे कॉम्पोजिशंस थे. तो मैंने उनसे बोला कि आप तो बरगद की तरह, मैं एक नन्हा सा पौधा हूँ आपके सामने, मैं कुछ नहीं हूँ, पर फिर भी मेरी तसल्ली के लिए ये टेप आपको मैं सौंप रहा हूँ. मुझे पता है आप नहीं सुनेंगे, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा कि मैंने गुलजार साहब को एक टेप दिया जिसमें मेरे कॉम्पोजिशन है. तो उस तरह से वो टेप मैंने दे दिया. उसके बाद भूल भी गया और 3-4 दिन बाद जो है उनके ऑफिस से फ़ोन आया कि दिस इज कुट्टी हियर, आई स्टिल रिमेंबर, गुलजार वुड लाइक टू टॉक टू यू. तो मैं तो गिर गया था, मैं भूल ही गया कि कोई चांस ही नहीं था. तो एक उस तरह से एक मेरा एक जर्नी शुरू हुआ जो मुझे बॉम्बे लेके आया, फिल्मों तक लेके आया. देन एडिट फिल्म लाइक हासिल, पान सिंह तोमर, साहेब बीबी और गैंगस्टर, वेलकम बैक, आई एम कलाम, बहुत सारी अलग अलग विभिन्न तरह की फिल्में की. पर गुलजार साहब का जो योगदान रहा है वो ये रहा है कि मेरी हिंदी परिष्कृत है, मुझे अच्छे लिरिक्स अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत वाहियात लिरिक्स के साथ मैं काम नहीं कर सकता हूँ. और अविनाश के लिरिक्स में मुझे बहुत साल बाद एक अलग इमेजरी, जिसको कहते हैं ना, कि फिल्म का लिरिक्स करना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि आप कठिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते. जैसे आपने कठिन शब्द यूज़ किए, यू आर एलिएनेटिंग योर ऑडियंस, ऑडियंस उसको जज्ब नहीं कर पाता. तो एक बहुत बड़ी बात को बहुत सहज शब्दों में बोल जाना, ये जो कला है ये कवियों के पास नहीं है. इसीलिए एक लिरिसिस्ट को मैं हमेशा कवि से ऊंचा दर्जा देता हूँ कि लिरिसिक्स को मीटर, मेलेडी, गाने की जात क्या है, फिल्म का सिचुएशन क्या है, ये सब कुछ समझते हुए शब्दों का चयन करना पड़ता है. और आई एम वेरी हैप्पी विथ हिज लिरिक्स. एंड हमारा अगला गाना है बदरा हुआ मन, which will again come in a few days for you, and the rest Shan will tell you. Shan, how do you agree with him actually? The thing is like, पूरी तरह से एक तो agree भी करता हूँ, लेकिन साथ साथ हम लोग इतने सालों के दोस्त हैं, मुझे कभी पता नहीं था कि अभिषेक की हिंदी इतनी परिष्कृत है. बाप रे बाप, चेस्ट कोई शब्द होता है? चेस्ट भी होता है. हाँ, चेस्ट है, शुद्ध. बाप रे बाप, फैंटास्टिक. कि हम दोनों बंगाली हैं और दोनों अंग्रेजी में फुट 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 करके बातें करते रहते हैं, तो मुझे पता ही नहीं था कि दिल्ली के हैं. और दिल्ली से ज़्यादा आई थिंक ही एंजॉयज हिज हिंदी है, जो मैं आज समझ में आया. मुझे भाषा अच्छी भाषा ठीक लगती है. लेकिन अभिषेक रॉय के बारे में ज़रूर बताऊंगा कि मैं जब से इनके साथ काम कर रहा हूं, मैं हर बार कुछ ना कुछ नया सरप्राइज़ मेरे सामने, ये जैसे आज ये सरप्राइज़ मुझे मिला कि ना सिर्फ कंपोज करते हैं, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स वो खुद बजाते हैं, खुद सारा पूरा जो गाना है प्रोग्राम करते हैं, और सबसे ज़रूरी बात है उनकी जो म्यूज़िकल इंटेग्रिटी है ना, उसे कभी नहीं छोड़ते. जो चीज़ म्यूज़िकल नहीं हो, जो चीज़ ज़बरदस्ती एक आजकल एक ट्रेंड है या हिट है या उस चक्कर में एक हर मेरे में भी है इनसिक्योरिटी हो जाती है. मैं भी सोचता हूँ कि आजकल जैसे गा रहे उस तरह से गा दूँ, कुछ उस तरह से कुछ कर दूँ, ये मुझे कभी अलाउ नहीं करते. बोलते नहीं यार, जो तुम में है वो तुम में, वो तुम्हारी चीज़ है, किसी और को नकल करके ना तुम वो बन पाओगे ना तुम खुद बन पाओगे.
taken, but it takes a lot of for a better word, takes a lot of courage. Thank God. But it takes a lot of courage to stick to your guns, to do what you want to do. So I think Abhishek hai, aise gine chune kuch composers hain jo apni cheez chahe kuch bhi ho jaye wo chhodte nahi. उजली कई बार जैसे शान ने बहुत कमाल की एक बात कही कि जो आपकी अपनी खासियत है हर एक सिंगर की लिरिसिस्ट की या म्यूजिक कंपोजर की एक अपनी बुनियादी खासियत होती है उस बुनियादी खासियत को कभी आपको बाजार के दबाव की वजह से उसको चेंज नहीं करना चाहिए. मैं जैसा हूँ मैं जैसा सोचता हूँ मैं जैसा लिखता हूँ मेरी रूह जिस बात से एग्री करती है मुझे वो लिखना चाहिए मुझे वो करना चाहिए. फॉर्चुनेटली मेरी बहुत कैरियर की शुरुआत में मैं ऐसे दो दिग्गजों के साथ काम कर रहा हूँ जो वो करते हैं जो उनकी रूह कहती है जो जो कभी भी मार्केट प्रेशर की वजह से अपनी बुनियाद को बदलते नहीं. तो मुझे लगता है ये बड़ी और ये कॉम्बिनेशन जो पिछले 3-4 गानों में हमारा बना है आप इसके जब भी आउटपुट देखेंगे एक आउटपुट आपने आज देखा उजली उजली का और दो हमारे गाने लाइंड अप हैं जो बहुत जल्दी आने वाले हैं आप देखेंगे कि बहुत रूहानी तरीके से हर लफ्ज़ की एक जिस्मानियत होती है. उस जिस्मानियत को हमने पकड़ा है और उसको उसी खूबसूरती से शान दादा ने गाया है और उसको बहुत बहुत मेलोडियस तरीके से पिरोया है. लेकिन आज की जनरेशन की जो चाहत है उसको उस तरीके से परोसते हुए मुझे लगता है ये जो ब्लेंड करने की कला है ये अभिषेक के अंदर बहुत कमाल की है कि वो रूह को जिंदा रखते हुए भी उसके जिस्म को इस तरीके से सजाते हैं कि वो लगे कि ये बिल्कुल आपकी बात है. आपकी बात क्यों आपके लहजे में किस तरीके से कहा जाए ये खासियत अभिषेक की है. और आवाज़ के बारे में मुझे कहने का मुझे लगता है कि एक क्रिटिकल मास जो है ना गानों का क्योंकि ये देश जो है मुझे लगता है मेलेडी प्रधान देश है. हम कुछ भी कहें हमारे सारे लोग बच्चे बूढ़े मेलेडी पसंद करते हैं और जो भी गाने वो गुनगुनाते हैं वो वही गाने हैं जिनको वो गा सकते हैं. कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनको आप सुन सकते हैं लेकिन गा नहीं सकते गुनगुनाने का मन नहीं करता है. तो जिस दिन वो जब तक वो गाना हैमर होता है तब तक वो गाना लोग सुनते हैं. जिस दिन हैमरिंग बंद उस दिन गाना गायब. गाने वो टिक जाते हैं जिनका लिरिक्स और मेलेडी की जो चाट पकती है वो ऐसा पका हुआ है कि आपका बार बार गाने का मन करे अब कहीं अंदर से वो छू जाए. तो कंपोज़र होते हुए एक बात बताऊँगा शायद गलत युग में पैदा हुआ हूँ क्योंकि मेरे ख्याल से डीजे होना ज़्यादा फ़ायदेमंद था आज के डेट में क्योंकि दिन भर सोता रात में जागता आसपास खूबसूरत लड़कियाँ होती औरों के गाने बजाता और थोड़ा सा हिलडुल लेता क्योंकि एक कंपोज़र बनने के लिए यू हैव टू नो इंडियन क्लासिकल वेस्टर्न क्लासिकल जैज फोक म्यूजिक ऑल फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक स्पेशली हिंदी फिल्मों का कंपोजर तो मुझे लगता है कि होल वर्ल्ड का सबसे डिमांडिंग काम है. Every genre is there in a Hindi film. You know, you cannot say I don't do that, I don't do jazz, I don't do item numbers. You have to do everything from a classical song to an item number to a jazz number. This is a very demanding kind of a profession in which you have to really be up, you know, thorough with your craft. और मैं फिल्मों के बैकग्राउंड स्कोर्स भी करता हूँ तो फिल्म मेकिंग का एक टोटल निचोड़ होना चाहिए आपके अंदर टू बी अ कंपोजर. पर इंक्रीजिंगली जो हालात हैं मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम मेहनत में अगर डीजे बन जाता कुछ और बन जाता तो शायद फाइनेंशियली बेहतर होती कंडीशन. पर खैर ये जब गलती हो ही गई जब बनी गया हूँ तो धुनों की एक फितरत होती है जो आपको बताता हूँ. अ मेलेडी इज समथिंग दैट कम्स टू यू लाइक अ ड्रॉपलेट ऑफ रेन और वो कब आती है जब आप नहीं चाहते उसको आते हुए. यू आर ड्राइविंग अ कार यू आर ट्रैवलिंग आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसके साथ दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है म्यूजिक का लेकिन अचानक एक धुन टपक जाती है जहन में और वो धुन फिर आपको बार बार नैक करती रहती है कि मुझे जन्म दो. अरे भैया नहीं जन्म देना है कोई नहीं लेगा तुम्हें आज की डेट में नहीं मुझे तो पैदा करो. तो ये बार बार एक आपको इम्प्रेगनेटेड हो जाता है एक धुन के साथ फिर वो धुन आपको हॉन्ट करती रहती है फिर एक पॉइंट पे आपको एक कगार पे वो ले आती है जब वो कहती है कि नहीं गाना बनाओ तब आप किसी लिरिसिस्ट का हाथ पकड़ते हो कि भैया ये धुन है ये मुझे छोड़ नहीं रही अकेले इसको शब्दों में पिरोयो और इसको मैं डमी लिरिक्स आपको दे रहा हूँ आप इसको रिप्लेस करो एंड देन अ मैग्निफिसेंट सिंगर कम्स योर वे हु इज रेडी टू कोऑपरेट एंड हु सेज ओके इस गाने में मैं विश्वास करता हूँ इस गाने को बनाते हैं. तो ये एक बहुत ही सरल सा जिद है धुन की एक बहुत सरल सी एक जिद होती है कि मुझे पैदा करो मुझे गाने में परिवर्तित करो.